सबसे अहम रिश्ता खामिंद और बीवी है, सबसे अहम रिश्ता खामिंद और बीवी है, सबसे अहम रिश्ता खामिंद और बीवी है। ये मैं हवाई फायर नहीं कर रहा, गिनो मां बाप के लिए कितनी आयात हैं, चंद मां बाप के अजमत एहतराम चंद आयात, औलाद के लिए चंद आयात, बहन भाइयों के लिए चंद आयात, लेकिन खामिंद और बीवी के लिए सैकड़ों आयात हैं। पूरा पूरा मजमून चलता है, पूरी पूरी सूरत चलती है कि एक घर कैसे आबाद हो। कुरान ने किस रिश्ते पर जोर दिया, वही अहम होगा। कितना ये रिश्ता जलील हो चुका है, कितनी बीवियां रोजाना मार खाती हैं, कितनी बीवियों को मारा जाता है, गालियां दी जाती हैं, उनके माँ बाप को गालियां दी जाती हैं, उनके बहन भाइयों को गालियां, सास ससुर कितनी नंगी तलवार हैं। तुम सारे उलमा मुफ्ती बैठे हो, कहीं सास बहू के रिश्ते के कोई हुकूक आए हैं? कहीं ससुर और बहू के रिश्ते के कोई हुकूक आए हैं? लेकिन मेरा मुआशरा सारा हक सास ससुर के आने वाली बहू पर डाल दें, हमें तो बीच में शामिल वा जाए, बिच्चू पता नहीं कि दुआ आ गया, तू भी छाड़ सानू करण दे जो करना। एक औरत जब माँ होती है तो रूए रूए से मोहब्बत के चश्मे, जब सास बनती है तो रूए रूए से जहर उगलने लग जाती। ये क्या मुआशरा है? इस मुआशरे ने को हम, ये उलमा का कसूर है कि उन्होंने मुआशरत नहीं समझाई। अच्छा, एक इस रिश्ते की अहमियत, इस वजह से सैकड़ों आयात हैं, एक इसकी कमजोरी, इस वजह से इसको बचाने के लिए, क्योंकि माँ बेटे का रिश्ता टूटता नहीं, बहन भाई का रिश्ता टूटता नहीं, बाप बेटे का रिश्ता टूटता नहीं, खामिंद बीवी का रिश्ता एक बोल पर टूट जाता। इसको बचाने के लिए इधर से इधर से इधर से इधर से, इसलिए ये फुकहा कहेंगे कि अल्लाह ताला ने बीवी का हक रखा है कि अलग घर दो, अगर वो मालदार है तो अलग घर दे, ताकि वो मियाँ बीवी जिंदगी शुरू करें, उनके मसाइल थोड़े होंगे। बीच में सास भी आ गई, बीच में ससुर भी आ गया, बीच में नंद भी आ गई, देवर भी आ गया, भाभियां भी आ गई, वो देखती वैसी चटनी बन गई पहले दिन। चंद दिन पहले हमारा एक साथी बता रहा था जी कि वो साहब जब बीवी को मारते थे ना, तो साथ उनके अब्बा भी आ जाते, उनकी अम्मा भी आ जाती, उनकी बहन, उनके भाई सारे मिलकर बीवी की पिटाई करते थे, और बड़ा दीनदार घराना कहलाता था वो इलाके का। अगर वो अलग घर नहीं लेके दे सकता तो किराए पर लेकर दे, उसको अलग रखें, अगर उसका मुतालबा है, मुतालबा नहीं फिर तो ठीक है, अगर किराए पर भी लेने की सख्त नहीं तो घर में पूरा पोर्शन उसको लेकर दे, पूरा पोर्शन दे जिसमें वो आजाद हो। अगर इसकी भी हिम्मत नहीं तो एक कमरा, एक किचन, एक टॉयलेट उसका अलग हो जिसमें और कोई ना हो। अगर इसकी भी हिम्मत नहीं तो फिर रोजे रखे थे, तस्बीह पढ़े, किसी दीन को बर्बाद ना करे, फिर किसी की बेटी को बर्बाद ना करे, फिर अपने रोजे रखे। या माशरा शबा मन इस्तता मिनकुम अलबात फलयफल वलम यस्ततफ अलैहि बिस्सियाम, फिर रोजे रखो, तस्बीह पढ़ो, किसी की बेटी को बर्बाद ना करो। ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम ने इसे तबाह करके रख दिया। जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा, मुश्तरका निज़ाम ज़िंदगी बहुत अच्छा था जब एक दूसरे के हुकूक का पता था, अब हुकूक का नहीं पता, लिहाजा इधर से आग, इधर से आग, इधर से आग, इधर से आग। मैं सरदर्द का मरीज हूँ, थोड़ी थकावट शुरू हो जाती, फाका शुरू हो जाता, तो मैं रोज़े रखने के लिए मरी चला जाता हूँ कि भाई चलो कुछ ठंडक, रोज़े का लंबा होना और ठंडक शायद उसको कुछ वो बैलेंस कर देता है, तो मैं कुछ तीन चार रोजे फिर भी छूट जाते हैं लेकिन अक्सर पूरे हो जाते हैं। तो भुरबन में वहाँ एक जगह मैं ठहरता हूँ, तो असर के बाद मैं थोड़ा बयान करता हूँ मुआशरत पर। तो पहली दफा जब मैं वहाँ ठहरा तो आठवें दिन इमाम मस्जिद की बीवी आई हमारे पास, मेरी बेगम के पास, कि जी बेगम साहब मैंने आपका और मौलाना का शुक्रिया अदा करना है कि आज मेरी जिंदगी का पहला हफ्ता है मेरे खामिंद ने मुझे मारा नहीं, पहला हफ्ता। इमाम मस्जिद, इमाम मुसल्ले पे खड़े होने वाले, कहा पहला जिंदगी का हफ्ता है मेरे खामिंद ने मुझे मारा नहीं, वरना मेरी हर दूसरे दिन पिटाई होती थी।
और दसवें दिन इमाम साहब खुद आ गए, कहा मौलाना साहब हमें पता ही नहीं था जिंदगी कैसे गुजार, हमारे जो माहौल में था हम वही कर रहे थे। कहा मेरे बहनोई ने मेरी बहन की एक दफा टांग तोड़ी, एक दफा बाजू तोड़ा, और आलिम दीन है, आलिम दीन है, हमें किसी ने यह बताया नहीं था। हमने जिंदगी में पहली दफा ये बातें आपके मुंह से सुनी कि जिंदगी कैसे गुजार। औरत पर मर्द का एतमाद, कितने लोग हैं बीवियों के रोजाना मोबाइल चेक कर रहे होते हैं, किधर कॉल की थी, क्या मैसेज आया था, उन्हें शरीफ जादियों को बर्बाद करके रख। और कितनी औरतें हैं जो अपने खामदों का मोबाइल ढूंढ रही होती हैं, वो सो जाते हैं मोबाइल चेक करती हैं, कहीं कहाँ फोन किए, कहाँ फोन किए, क्या मैसेज आए। इस बद एतमादी ने कितने घर उजाड़ दिए। अभी एक तलाक हुई है मेरी अपनी फैमिली में, अभी तलाक हुई, कि उस कमबख्त को इतना शक था, इतना शक था कि मुत्तकी तरीन बच्ची को उसने तलाक दे दिया। शक, शैतान को क्यों खामिंद और बीवी का झगड़ा सबसे ज्यादा पसंद है कि छांव हट गई और अगली नस्ल तबाह हो गई। शैतान रोजाना कचहरी लगाता है, पूछता है आज क्या किया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सबको ठंडा जवाब देता, ठीक ठीक। एक शैतान खड़े होकर कहता है हुजूर मैंने मियां बीवी को लड़ाया, तो कमबख्त अपनी ऐसी यूं उछलता है, तू है जो करके आया है, आजा, उसको गले लगाता है, उसको अपने पास बैठाता है, कहता है ये है वो कम, क्यों, किसने छांव हटा दी, इसने नींद उजाड़ दी, इसने बारिशों को रोक दिया, क्या होगा, जमीन बंजर, नींदें बर्बाद, एतमाद खत्म, नस्ल बर्बाद। क्यों तलाक को सबसे ज्यादा बदतरीन हलाल कहा, क्यों मेरे नबी ने फरमाया अली तलाक से बचना। इमाम गजाली की रिवायत है कि जिसकी बीवी बदतमीज और उसने सबर किया, जिसकी बीवी बदतमीज और उसने सबर किया, तो उसे वो अजर मिलेगा जो नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम को मिला। जिसका खामिद बदतमीज और उसकी बीवी ने सबर किया, तो उसे वो अजर मिलेगा जो हजरत आसिया को फिरौन की ज़ौजियत में मिला। अरब के माहौल में बीवी से इजहार मोहब्बत किसी सरदार के लिए ऐब था, ऐब। माशूक के लिए इजहार मोहब्बत फख्र था, उसके लिए शेर व शायरी फख्र था, लेकिन मुझे बीवी से प्यार है ये मौत। माहौल ऐसा है कि बीवी से इजहार मोहब्बत ऐब है और माशूक से इजहार मोहब्बत फख्र है। इस माहौल में मेरे नबी मस्जिद नबवी में हैं और आपके गिर्द मजमा है, और एक शख्स पूछता है या रसूल अल्लाह मन अहब्बुन्नास इलैक, कान में नहीं खुल के पूछता है, आप उसके कान या रसूल अल्लाह मन अहब्बुन्नास इलैक, आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है, आपने जोर से कहा आयशा से, आयशा से। मुफ्ती नईम कहेगा आपने कहा आयशा से, वो तो हिल गए, ये क्या हुआ, उन्होंने सवाल बदला या रसूल अल्लाह मेरा मतलब था मिनर रिजाल, मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं मर्दों में किससे प्यार है, है? तो मेरे नबी ने नबज देख ली कि इसको हजम नहीं हुआ, तो अब आपने कहना था अबू बकर, तो आपने कहा आयशा के अब्बा से, हाँ अबू हा अबू हा, मुझे पता है मैं समझ गया हूं तू क्या कहां से बोल रहा है, मुझे आयशा के अब्बा से प्यार है। ये हदीसें पढ़ाने की थी कि जब इस बच्चे की शादी होती है उसे पता हो मुझे किसी की बेटी को लेके कैसे चलना है। मेरे नबी हजरत आयशा को लुकमे बना के खिलाते थे, कोई इजहार इश्क था, अल्लाह की कसम इजहार तालीम था, तालीम थी, सिखाया कि जिंदगी गुजारनी कैसे। उनको आटा गूंद के देते थे, चूंकि अभी शुरू शुरू में उनको आटा गूंदना नहीं आता था, तो आटा गूंद के देते थे, और अरब बड़ी बड़ी बोटियां पकाते थे, तो हजरत आयशा बोटी उठा के ऐसे नोचती और फिर रख देती, तो अल्लाह के नबी बोटी उठाकर जहां से हजरत आयशा ने नोचा होता था वहां से नोच नोच के दिखा के खाते थे। मेरे रब की कसम इजहारे ये हमें तालीम दी है कि जिंदगी कैसे गुजार। फिर बड़े बड़े प्याले होते थे पानी पीने के, छोटे गिलास नहीं, छोटा गिलास तो बुखल की निशानी, अब तो और छोटे हो गए, कप को गिलास बना दिया, तो बड़े बड़े गिलास होते थे, तो अम्मा आयशा रज़िया पानी पी रहे हैं, रख दिया, मेरे नबी उठाकर जहां हजरत आयशा के होंठ लगे होते थे वहां होंठ रख के पानी पीते थे।
सिर्फ तालीम। जिस हस्ती ने अल्लाह को आंखों से देख लिया हो उसको किसी चीज की रगबत हो सकती है? जन्नत भूल जाएगी जब अल्लाह अपना दीदार कराएंगे, अबे पर्दा पोशी फरमाएंगे तो कहेंगे या अल्लाह जन्नत नहीं चाहिए, तू चाहिए, बस तुझे देखते रहें, बैठे रहें, तसव्वुर जाना किए हुए अज लज्जत दीदार अज खुसरो च तमा गुफ्तन सर दादन जान दादन ना दीदा रुख यारे। अमीर खुसरो कह रहे हैं कि या अल्लाह बिन देखे तेरे लिए लोग सूलियों पे चढ़ गए, औरों से चिर गए, छुरों से कट गए, बिन देखे तेरे इश्क में जब तुझे देखेंगे तो क्या हाल होगा। अज लज्जत दीदारश खुसरो चतमा गुफ्तन सर दादन जहां दादन ना दीदा रुख यार। तो जिस हस्ती ने अल्लाह को देखा हो उनके लिए औरतों की क्या 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 रगबत है? ये सिर्फ सिखाने, एक हदीस सुना दे, मा तज़व्वजतु वमा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस्समा नज़ल बिही जिब्रील। लोगों, मैंने जहां शादी की, मैंने जहां बेटी दी, पहले आसमान से वही आई, फिर मैंने कदम उठाया। अल्लाह की कसम हमें सिखाने के लिए था, सिखाने। सफर से वापसी हो रही है, ठीक है, आपने साहबा से कहा चलो भाई तेज हो जाओ, वो सारे तेज हो गए, यहां तक के नजरों से गायब हो गए, ठीक। तो अब कौन रह गए? अम्मा आयशा और मेरे नबी। तो अम्मा आयशा नहीं, मेरे नबी ने कहा आयशा दौड़ लगाएं, दौड़ लगाएं, घर लगाएं। लोगों पर मुफ्ती नईम का इतना बड़ा पेट, यह दौड़ लगाएगा बेगम के साथ? वो मौला मंजूर मैंगल का उससे भी बड़ा हो गया, ये लगाएंगे? तो आयशा दौड़ लगाएं, काजी लगाएं। तो हजरत आयशा फरमाती मैं आगे निकल गई लेकिन अभी पीछे रहे। फिर कुछ अरसा गुजर गया, कई साल गुजर गए, फिर एक सफर से वापसी हो रही, आपने कहा भाई भाई आगे जाओ, वो सारे आगे जागे उछल हो गए। आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं, काजी लगाएं। तो कहा उन दिनों में भूठी हो गई, तबदंत का लफ्ज मुझे याद है, कब मैं मोटी हो गई थी। तो जब दौड़ लगाई तो अल्लाह के नबी आगे निकल गए, तो आपने कहा आयशा हादे ही बेतिल का, अब तू मैं बराबर हो। अल्लाह की कसम जिंदगी समझाने के लिए। जिहाद का सफर, सारा सहाबा का काफिला है, जंग का जमाना है, दुश्मन चारों तरफ है, और हम अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ऊंट पे बैठी और हाथ लगाया तो हार गायब। फरमाए मेरा तो हार कोई नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरा हार ढूंढो। तो मेरे नबी ने नहीं फरमाया चल बैठ, इतने लोगों को तू परेशान करती, तुझे पता नहीं मैंने सबक पढ़ाना, तू मेरे पीछे पड़ गई। तलबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा भाई आशा का हार ढूंढो, सब ढूंढने में लग गए। शाम हो गई, सूरज छुप गया और हार नहीं मिला, और उसके बाद तलाश बंद हो गई, अंधेरे में कहां मिलेगा? अब क्या हुआ, पानी रात को इशा में खत्म हो गया, फजर की नमाज का वक्त दाखिल होने वाला हो गया और पानी कोई नहीं, तयम्मुम की आयत नहीं उतरी। लोगों ने अबू बकर को ताने देने शुरू किए, तेरी बेटी की वजह से अब नमाज का क्या बनेगा। अबू बकर गुस्से में आए अम्मा आयशा के खेमे में, तो अल्लाह के नबी गोद में सर रखे सो रहे थे। अब आप तो बाप थे, तो आकर अब बोल तो सकते नहीं और चेहरे से दूरी तेरी वजह से ही हो, और यहां पसली में मारी उंगली, जोर से उंगली मारी, तो कहते मैं ऐसे सख्त हो गई ताकि मेरा बदन हरकत ना करे कि कहीं अल्लाह के नबी उठ ना जाए। तो चेहरे से गुस्से का इजहार करके, और तो अल्लाह ने आयत तयम्मुम उतार दी। इस मौके पर तयम्मुम की आयत, पहली दफा 8000 साल में ये होने लगा है। भला मिट्टी से आदमी साफ होता है और गंदा हो जाता है? अल्लाह का नहीं, नहीं, फतयम्मम, चलो तयम्मुम करो। अब सारे सहाबा में खुशी की लहर, और साद बिन उबादा कहने लगे आले अबू बकर ये पहली तो नेमत नहीं है जो तुम्हारे घराने के तुफैल हमें मिली है, इससे पहले भी बड़ी नेमतें तुम्हारे घर की तुफैल हमें मिली हैं। अल्लाह ने तयम्मुम की आयत उतार दी। मेरे नबी ने काफिले को नहीं चलाया, यहां तक कि हजरत आयशा ने कहा अच्छा या रसूलुल्लाह अब चलें, हार को छोड़ें, फिर मेरे नबी चले। और जब ऊंटनी को उठाया तो हार उसके नीचे पड़ा हुआ था, वो सारा
बाहर ढूंढते रहे, हार नीचे चला गया था गिरकर। ये मेरे नबी की जिंदगी है। ये मैंगल साहब से कहता हूं पढ़ाएं, मुफ्ती नईम से कहता हूं ये जिंदगी पढ़ाएं, कि इनकी बीवियां इनको दुआएं दें, इनके मां बाप इनको दुआ दें, इनकी औलाद इनको दुआ दे। वो बाप नहीं है जिसको देख के बच्चे डर जाएं, वो थानेदार है, थानेदार बैठो है। वो उस्ताद नहीं जिसको देख के शागिर्द डर जाए, वो थानेदार है। वो खामिद नहीं है जिसको देख के बीवी सहम जाए, वो थानेदार है। खामिद वो है जिसको देख के बीवी खुश हो, बाप वो है जिसको देख के औलाद खुश हो, उस्ताद वो है जिसको देख के शागिर्द खुश हो। अगर जिंदगी को निखारना है, जब्त करना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो, गुस्से को पीना सीखो। यग़लिबन अल-करीम ويغلبهن اللئيم। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया अखलाक वाले पे बीवियां गालिब आ जाती हैं और बद अखलाक बीवियों पे गालिब आ जाते हैं। لأن أكون مغلوبا كريما أحب إلي من أكون غالبا لئيما। मैं अखलाक वाला बन के बीवी से दब के रहूं, ये मुझे पसंद है इस बात से कि मैं बद अखलाक होकर, कमीना होकर बीवी पे गालिब आऊं। लईम बद अखलाकी की आखिर, जिसको हम कमीना कहते हैं। ओहो, खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुल ले अहली। मेरे नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन मुसलमान वह जो बीवी से अच्छा सलूक करे, और मैं तुम में सबसे अच्छा सलूक करता हूँ अपनी बीवियों के साथ। मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर आपकी बारी है और आपको पेशाब आया, आप उठे पेशाब के लिए, पीछे मैमूना की आंख खुल गई तो उन्होंने देखा बिस्तर खाली, तो उनको ना नफ्स ने चक्कर दे दिया। उनके जी में आया कि अल्लाह के नबी मुझे छोड़कर किसी और बीवी के पास चले गए, तो उन्होंने सौकन पना गालिब आया, सौकन, सौकन तो सौकन ही होती है, तो सौकन थी उनका तो मुझे छोड़ के दूसरी बीवी, और ख्याल था हजरत आयशा, कुड्डी लगा थी। अल्लाह के नबी वापस आए तो दरवाजा बंद, आपने दस्तक दी, मैमूना मैं हूं, दरवाजा खोलो। का मैं नहीं खोलती। हमने कहा क्या हुआ? कहा मुझे छोड़ के दूसरी बीवी के पास जाते हैं, बारी मेरी है। आपने कहा अल्लाह की बंदी इन्नी हाकिन, अब मुझे जोर का पेशाब लगा था, मैं इसलिए गया था। कहा नहीं नहीं कोई पेशाब नहीं है, मुझे पता है। आपने कहा मैमूना मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं कभी खयानत कर सकता हूं? फिर उनको करंट लगा, ओए ये मैंने क्या किया, तो अल्लाह का रसूल। फिर डरते डरते दरवाजा खोला, पत्नी अल्लाह के नबी क्या करेंगे। आप अंदर आए और मुस्कुराए और जाकर अपनी चारपाई पे लेट गए।